नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। सरकारी भवन तोड़े जाने से आक्रोशित चिल्हाई के सैकड़ों जनता ने बछवाड़ा विधायक का किया घेराव। तिघरा प्रखंड की चिल्हाई पंचायत अंतर्गत खिजीर चक में गैर कानूनी तरीके से सामुदायिक भवन को क्षतिग्रस्त किया गया। सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थलों को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना कानून के खिलाफ है, चाहे वह सरकारी दीवार, पेड़, पोल या सरकारी भवन या अन्य सरकारी संपत्ति हो। किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना कानून के विरुद्ध है। पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र मेहता के फंड से 2001 से 2005 में उनके कार्यकाल में सामुदायिक भवन बना, जिसको मिसबा उद्दीन अशरफ उर्फ गुलाब ने अपने सहयोगी मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद सऊदुल्लक और अपने सहयोगी के माध्यम से गैर कानूनी रूप से सरकारी भवन को तोड़कर अपने निजी व्यवसाय में लाने के लिए बने भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिसबा उद्दीन अशरफ उर्फ गुलाब ने अपने निजी व्यवसाय हेतु अपने निजी स्तर से मदरसा को चला रहे हैं, जिसमें अब बाद एक दो लड़के को छोड़कर उर्दू तालीम लेने वाले बच्चे बिहार के विभिन्न जिले कटिहार, अररिया सहित अन्य जिले से आकर मोटी रकम देकर उर्दू की पढ़ाई करते हैं। भवन तोड़े जाने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने जब पहल की तो उनके द्वारा 8 से 10 लड़का पर FIR दर्ज करवाया गया, जिससे आक्रोशित जनता ने चिल्हाई पुल पर बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता का घेराव कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों को समझाते बुझाते बछवाड़ा विधायक ने कहा कि NOC के बाद भवन के सिलाई सेंटर का उद्घाटन मिसबा उद्दीन अशरफ उर्फ गुलाब ने अपने नेतृत्व में करवाया। सरकारी भवन तोड़कर उन्होंने कानून को धता बताने का काम किया है, सरकार उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 8 से 10 लड़का पर फायर करना भी दबंगता का परिचायक है। उन्होंने कहा, हर संभव मैं आम जनता का साथ दूंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रतिदिन संकल्पित हूं। वहां के स्थानीय मुखिया अरविंद महतो, पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार ने बताया कि इस तरह से सरकारी संपत्ति को तोड़ना कानूनन अपराध है। ग्रामीणों का कहना है, प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान में ले। ग्रामीणों का इस पर आक्रोश है, भवन को तोड़कर सरकार को लाखों लाख रुपया का नुकसान पहुंचाया गया है, जो एक कानूनन जुर्म है। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, धन्यवाद। तराफी के फंड से ये सामुदायिक भवन बना था और आज मामला है तोड़ने पर मजबूर है, जमींदार बना रहे कि मेरा जमीन है, हम लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्या कारण है सर? ये तोड़ा थोड़ा है, दिन दिन का देखा ये 107 किसी भी आदमी को जनता खास करके समुदाय मांगा हमको एक सामुदायिक भवन चाहिए बैठने उठने के लिए, बच्चा बच्चा पढ़ने लिखने के लिए बनाइए। हमने लिख दिया, सरकार NOC दे दिया उस भवन को, NOC के बाद वो बना। जब बना तो उसमें गुलाब बाबू भी सिलाई सेंटर खोल करके उद्घाटन करवाए, आज वो दो तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं तो सरकार उन पर कार्यवाही करेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो सरकारी भवन को तोड़ना, पूरा जमीन जिधर नजर दौड़ाता है कहता हमारे जमीन है, ये गलत चीज है और ये समाज के हित में कहीं नहीं। बहुत नवयुवक पे FIR भी दर्ज हुआ है, क्या कारण है? देखिए, FIR जो बच्चा लोग पर किया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। करने के लिए अगर FIR करता है तो ये सरकार है, सरकार संज्ञान ले। क्या कह रहे हैं इन लोगों को? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे, ऊपर विधि सम्मत उन पर कार्यवाही होगी। उन्हें सरकार के भवन को तोड़ा है, कार्यवाही होगी और हर परिस्थिति में सरकार उस पर संज्ञान ले। आप लोग यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं, आखिर क्या कारण है? हम लोगों के पंचायत में गुलाब मियाँ हैं, वो गुलाब मियाँ यहाँ आके कुछ दिन से रह रहे हैं और वो सामुदायिक भवन को हम लोगों को तोड़ दिए थे। सामुदायिक भवन तोड़ने के कारण बहुत लोगों को दुखी है और वो बोलते हैं कि हमारे जमीन में था। सामुदायिक भवन को तोड़ रहे हैं इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले वो SP DSP सबको बुलाए, बोले हम BEd कॉलेज बनाएंगे, कुछ जगह को अतिक्रमण करके उसमें मुर्गी फार्म खोले हुए हैं और यहाँ पे नए नए युवक जो भी है उसके ऊपर FIR कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सामुदायिक भवन बना था किनके फंड से बना? ये माननीय जिला परिषद के फंड से बना था। कौन जिला परिषद थे? वो थे हमारे सुरेंद्र मेहता। क्या उस पर संज्ञान ले रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग उनका घेराव किए हुए हैं, अब वो बोले हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी लड़का है जिसके ऊपर FIR हुआ है, सारे FIR को पहले निरस्त किया जाए। कितने लड़के के ऊपर FIR हुआ है?
करीब 8 से 10 लड़का के ऊपर। क्या कारण था एफआईआर होने? बस वो जो तोड़ रहे थे सब रोकने गए थे। क्या नाम हुआ? श्री भद्र झा।